देखिए दोस्तों, मैं यहाँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं अरबी ले ली हूँ एक मुट्ठा, मार्केट से लाई थी दोस्तों, बहुत ताज़ा है। देखिए, और मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते की। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा किस तरह से मैं बना रही हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरह से, देखिए अरबी के पत्ते को, इसका जो बीच पीछे वाला जो डंठल रहता है, ये वाला जो, देखिए इसको मैं हटा ली हूँ। देखिए, अगर ये रहेगा इसी में तो ये बहुत अथी करता है दोस्तों, मुंह में काटता बहुत है, इसको करता है ये। देखिए, इस तरह से मैं डंठल हटा दी हूँ। ये देखिए डंठल हटा देना है दोस्तों, नहीं तो मुँह में थोड़ा सा हल्का हल्का करना शुरू हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए, सबका मैं पत्ता का, सबका पीछे का जो भाग रहता है, मैं सबका डंठल हटा दी हूँ दोस्तों। देखिए, अब मैं इसको इस तरह से बिछाऊंगी दोस्तों। इस तरह से इसको बिछा कर इसको साथ में ले लूँगी, इसको साथ में ले लूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर हर पत्ता में बेसन का लेप लगाते जाऊंगी। देखिए, मैं बेसन यहाँ पे ले ली हूँ। इसमें मैं डालती हूँ हल्दी पाउडर, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, और मैं इसमें मसाला फेट बनाए थे उसमें मैं ये डाल देती हूँ, मसाला थोड़ा सा पेस्ट बनाई थी दोस्तों। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाकर और स्मूथ, ज़्यादा पतला नहीं को उसको बनाना है दोस्तों, इसको हल्का कड़ा ही रहेगा ये बेटर, ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। चलिए, मैं आपको आज बता रही हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मैं इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ और मैं इस पत्ते पर लगा रही हूँ। देखिए, बेसन, हाँ सब बेसन का पेस्ट बना लिया। देखिए दोस्तों, देखिए मैं इस तरह से पत्ते को कर ली है, इसके ऊपर मैं लेप लगाऊंगी। पत्ते को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं लेप लगा रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से लेप लगाना है दोस्तों। देखिए, बेसन को ज़्यादा मोटा नहीं करना है, सलाना ताकि चारों तरफ ये फैल जाए। देखिए, आराम आराम से लगाना है दोस्तों। इसके ऊपर एक और पत्ता को इसको रखेंगे यहाँ पे इसे। देखिए, जहाँ पे जहाँ से कटनी की है वहाँ पर ये ऐसा रखना है ताकि ये वहाँ पे भाग, वहाँ पे कटा हुआ भाग पे ना पाए। इसको इस तरह से फिर बेसन फिर बाहर निकलने लगेगा। देखिए, इसके ऊपर लेप लगाना है इस तरह से। इसी वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। कुछ देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से बेसन का लेप लगा रही हूँ अरबी के पत्ता में। मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा, देखिए इसको किस तरह से मोड़ना है आराम आराम से। देखिए दोस्तों, इसको रोल करना है इस तरह से। देखिए, एक और यहाँ पे है। देखिए, आराम आराम से इसको रोल करना है दोस्तों, गोला कर लेते हैं इसको इस तरह से। देखिए, मैं इस तरह से अरबी के पत्ते में लपेट दी हूँ बेसन को, और मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यह है कढ़ाई और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसी में अरबी के पत्ते को
इसमें उबालूंगी। देखिए मेरा स्टेन है, स्टेन रख दी हूँ। अब गर्म पानी होने देती हूँ इसके। इसी तरह आप इस तरह से देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में पानी गर्म हो चुका है और मैं इसके ऊपर आराम से इसे रखूँगी। देखिए इस तरह से बाद में इसको ढक्कन लगा दे रही हूँ दोस्तों। देखिए इसे सिर्फ 10 मिनट इसको बॉईल करना है दोस्तों, भाप पे रखना है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, क्योंकि ये ऐसा अरबी पत्ता है जो थोड़ा सा कम भाप में भी अच्छा से आसानी से अंदर तक सेक लेता है। ठीक है दोस्तों, ये भाप से ही बन जाती है दोस्तों। ऐसी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों मैं चेक कर लेती हूँ मेरी अरबी पत्ती हो गई है कि नहीं। देखिए देखिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मशीन से। देखिए मैं चाकू से चेक करके आपको बता रही हूँ। देखिए मेरा अंदर तक देखिए इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इसमें नैपकिन में देखिए ये चाकू में कुछ नहीं लग रहा है। देखिए यानी कि मेरा ये अच्छी तरह से बन गया है। फिर दोस्तों मैं आपको इसको मैं 10 मिनट के लिए बाहर रख कर ठंडा लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। देखिए इसको मैं इस तरह से पीस में कटिंग कर लेती हूँ। देखिए आपको अपने अनुसार इसको कटिंग करिएगा, बड़ा है कम बेसी छोटा अपने अनुसार। मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। देखिए इसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, इसी तरह से मैं इसको भी कटिंग करूँगी, छोटा छोटा पीस में अपना कटिंग करना है। देखिए देखिए किस तरह से अंदर तक बेसन दिख रहा है दोस्तों। देखिए किस तरह अंदर तक बेसन देखिए कितना अच्छा से मिल गया है दोस्तों। चलिए मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गर्म हो चुका है। मैं इसमें तेल डाल दी हूँ और मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। हल्का सा तेल में तलना है दोस्तों, इससे बहुत टेस्टी लगता है, इसमें टेस्ट में सुधार आता है। देखिए आराम आराम से दोस्तों राम राम से इसे इस तरह से चलाना है, इस तरह से, और हल्का रोस्ट होने देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों रोस्ट हो जाएगी अच्छी तरह से, तल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो मैं इस तरह से देखिए इसे तेल में हल्का फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसे निकाल देती हूँ दोस्तों, मैं प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ दोस्तों। इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। आप अपने घर में ट्राई जरूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों खाने में। चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको आगे दिखाते हैं। तो इसको आप ऐसे भी फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ। देखिए मैं किस तरह सब्जी बना रही हूँ इसकी। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं उसी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ जिसमें मैं फ्राई की थी। देखिए अब मैं इसमें तेजपत्ता डाल दे रही हूँ दोस्तों, जीरा डाल दे रही हूँ, देखिए जीरा जब भुंजाने लगेगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अच्छी तरह से जब प्याज फ्राई हो जाएगी
आपको आई के प्रोसेस दिखा रही हूँ दोस्तों, और इसी तरह वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में मसाला डालना मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन, मिर्चा, हल्दी, गोलकी, जीरा और गरम मसाला मैं उसमें ऐड की हूँ दोस्तों। और मैं उसमें अलग से टमाटर की प्यूरी बनाई थी, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में नहीं दिखा पाई दोस्तों, स्किप हो गया हम मुझसे वीडियो में, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ अलग से दोस्तों मैं क्या क्या उसमें डाली थी मसाला। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ दोस्तों, इसलिए आप उस मसाला में कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आप लहसुन, मिर्चा, हल्दी, गोलकी, जीरा और गर्म मसाला ऐड करिएगा उसमें, बाकी कुछ उसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई, ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी दिल से बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से मसाला मेरा बनाया गया है, मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी। देखिए इस तरह से मैं टमाटर को मिक्सी में पीस लेती हूँ, इसमें डालूंगी दोस्तों, इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसमें अच्छी तरह से मसाला साथ ही इसको भूंजेंगे दोस्तों। जब भी बनाए इसमें टमाटर जरूर ऐड करें, इससे अरबी की पत्ती की सब्जी बहुत टेस्ट लगती है दोस्तों। आप लोग अपने घर में इसे क्या क्या बोलते हैं, आप लोग किस नाम से इसे बुलाते हैं? हम लोग अरबी पत्ता बोलते हैं, साकिन पत्ता बोलते हैं, पेप्ची पत्ता बोलते हैं दोस्तों। आप लोग किस नाम से पुकारते हैं इसे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं टमाटर को भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके इसे भी अच्छी तरह से मैं इसे भूंज लेती हूँ इसमें अच्छी तरह से। इस तरह से मसाला बना लिया है, देखिए देखिए एक उबाल इसे आने देती हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ दोस्तों। मैं कढ़ाई हटा कर दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से मेरा बन चुका है, देखिए एक उबाल आ गया है दोस्तों। अब मैं इसमें फ्राई की थी अरबी, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा बनकर अरबी की सब्जी रेडी हो गई दोस्तों। आपको अरबी की सब्जी कैसी लगी दोस्तों, आप देख कर जरूर बताइएगा। अब मैं इसे धनिया पत्ता से देखिए इसके ऊपर गार्निश करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये सब्जी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, तब तक लेते हैं क्या, बाय।